रखे हुए हैं, कुछ बजरीज बजरीज एक दोस्त दे गया हमें, तो इनको क्या किया, पेरेंट्स लड़ रहे थे। इसकी आंख तो नहीं, हाँ इसकी आंख बंद है, पैर लगा हुआ है, इसकी फीमेल इधर होगी, वो बैठी है इसराइली रेड कलर की, ये ब्लैक कलर में है, वो रेड कलर की है। क्या क्या है, चिंटू ने जी इसकी टांग पे बाइट कर लिया, ये टीम कर रहे थे बच्चा, इसकी लेग पे उसने बाइट कर ली, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसकी सूजन हुई पड़ी है, इसकी लेग ये देखिए नीचे लगा नहीं रहा। लेकिन इसके साथ साथ एक और लगा है, और ये ब्लैक शराजी है, ये भी माशाल्लाह से फ्लाई टेम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद घर से व्लॉग बना रहे हैं, और आज आपको डेविल देखने को नहीं मिलेगा, वरना जब भी घर से वीडियो बनती है तो आपको डेविल के जल्दबाज भी मिलती है, लेकिन आज डेविल की नहीं मिलेगी, डेविल को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी आईकॉनिक नज़रें पड़ी हैं डेविल के ऊपर, डेविल चल रहा है फेसबुक के ऊपर, इस वजह से अभी आज डेविल नहीं आपको दिखाया जाएगा। तो आज आपको पिजन्स का शौक करवाते हैं, कुछ चिक्स आए हुए हैं, रिंगना के हैं, रा के हैं, तो उनका आपको शौक करवा देते हैं, और कुछ हैं टेम जो पिजन्स मैंने भी आपको नहीं दिखाए, घर में पड़े हुए थे चिक्स जो कर रहा हूँ ट्रेन, वो भी आज हवेली में लेके जानी है, पहले आपको वो भी दिखाते हैं, उसके बाद वो भी बाकी जो चिक्स है हवेली में उनके साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और बाकी आज की मेरी जो कलेक्शन अभी तक की है, मेरे ख्याल 10 से 15 पेयर्स हैं, और मोस्टली इनमें से 10 से 12 कह लें कि शराजी टाइप के, और 2-3 पेयर हैं उड़ाई वाले, जो कि लो फ्लायर कह लें, छतरी वाले कह लें, पट्टी वाले कह लें। तो आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह से सारे बर्ड्स रेडी हैं अंडों बच्चों के लिए, कुछ एक ने बच्चा निकाला है, बाकी 1-2 के अंडे हैं, तो सब का आपको विज़िट करते हैं जो मैंने घर में रखे हुए हैं। बाकी हवेली में सिर्फ उड़ाने वाले हैं, या कुछ एक लकों के पेयर हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने शराजी खुले और चिड़ी मारी के लिए रखे हैं, अभी तक काफ़ी दिन से कोई कबूतर नया हाथ लगा नहीं है, और वेट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई आ जाए। एक हमने अभी तक पकड़ा हुआ है जो यहाँ पे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पकड़ा है, देसी है जाप वाला, या उसे हाई फ्लावर बोल लें, वो मेरे पास है एक पकड़ा हुआ, बाकी जो सारे हैं मेरे ख्याल में सारे जाती हैं, परचेजिंग की है, सब खरीदे हुए हैं। ये चेक करें जी छत की, इन्होंने हालत क्या की हुई है सभी आतंकवादियों ने, तो ये सारी ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक रेड, रेड एंड वाइट, ये सारे कलर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, कलरफुल पिजन जिसे कह लिया जाए। तो इसमें जी ये शराजी बड़ा प्यारा मेल है, देखें एक तरफ इसकी वाइट है, एक रेड है, इसी तरीके से इसकी एक साइड ब्लैक है, दूसरी हाफ ब्लैक है, लेकिन उड़ते हुए ये वाइट ही लगता है इसका एक पल्ला। ये एक शराजी का पेयर है, पाँव पे बाल है, वाइट मेल है, फुल ब्लैक फीमेल है, अंडों पे आई पर रही है फीमेल, और ये जोड़ा है जी, ये भी तकरीबन इस फीमेल के साथ अंडे उतारने पे आया हुआ है, मेल 2 से 3 दिन में अंडे उतर आएंगे, और एक वो हमारे मेल ने अंडे उतारे हैं ऊपर, इसके अलावा सॉरी मेल कह रहा हूँ, फीमेल ने, जोड़े ने, जोड़ा कह लें, मेल बैठा हुआ है अंडों पर, तो जोड़े ने अंडे उतारे हैं। इसके साथ एक वो लाल चीना कबूतर उड़ाई वाला है, लाल चीना से बोलते हैं, उसके भी अंडे हैं। एक डुबास का उड़ाई वाला जोड़ा है, लो फ्लायर का, वो सबसे एंड पे ये देखें, इसने बच्चा माशाल्लाह से निकाला हुआ है। इनकी आपको मैं फीमेल्स भी दिखाता हूँ, एक ये जोड़ा है ताज वाला, टोपियों वाला जिसे कह लें, ये एक सेम ब्लैक फीमेल है, ये सिल्वर सा मेल है, दोनों के बोधी हैं। इसके अलावा ये बिग पामूज वाली फीमेल है, इसके साथ वो मेल लगा हुआ है ब्लैक चेरी टाइप का, ये सेम मैंने जोड़ा, बस गर्दन पे थोड़ा सा आ रहा है कट सा, एक डॉट सा, लेकिन वरना सेम है जोड़ा, ये वो देखें, वो जोड़ा भी सेम है। इसके साथ कौन सी फीमेल लगी है, इसके साथ लगी है वो ब्लैक एंड वाइट इस रेड के साथ, और ये जो जंगली है इसने अंडे उतारे हैं, वो जो मेल ऊपर बैठा है रेड, ये इसराइली खाल बोलते हैं, इसने पैर लगा हुआ है, इसकी फीमेल इधर होगी, वो बैठी है इसराइली रेड कलर की, ये ब्लैक कलर में है, वो रेड कलर की है। इसके अलावा एक वो पैर लगा है, वाइट फीमेल है शराजी, वो मेल है। इसके अलावा एक ये मेल है, इसके साथ ये फीमेल लगी है, रेड मेल है, ब्लैक फीमेल है, इसके हो गई क्रॉस, वो जो नीचे उड़ाई वाला उसके साथ वो फीमेल लगी। तो इस तरीके से ये सारे माशाल्लाह से प्यारे पेयर्स हैं, बच्चे अच्छे निकलेंगे, कलरफुल निकलेंगे। तो अभी मेरी जो आर्मी है वो तकरीबन पूरी हो चुकी हुई है, और अभी आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं जो चिक्स हैं, तो ये सारे ना अड्डे भी लग चुके हैं,
पर्स यार इनके सभी के मैंने खींचे हुए हैं, तो नए पर आ गए हैं, कुछ एक रहते हैं अभी, ठीक है। और इसके साथ साथ अंदर नहीं आना, अभी दाने का टाइम है, तो थोड़ा सा देख रहे हैं दाना, बल्कि इनको डाल दिया जाए, मैं ये कहना तो कुछ करते हैं। लाइट तुम लोग बाहर हो, दाना डालता हूँ। इसके साथ साथ ये तकरीबन 7 चिक्स हैं, साथ में जो जंगली मादी आपको दिखाई रेड मेल जिसने भी अंडे उतारे हैं, उसका ये रेड वाला बच्चा बाप पे गया है। ये एक जंगली क्रॉस में बच्चा है, ये भी गर्मी में दोबारा अंडे इन्होंने उतार लिए हुए हैं। ये लक्का है, ये भी टेम है। ये एक रेड शराजी है, ये भी माशाल्लाह से टेम है। इसके साथ साथ एक और लक्का है, और ये ब्लैक शराजी है, ये भी माशाल्लाह से फ्लाई टेम हो रहा है। और ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये सामने, ये गुब्बारे का बच्चा है, वो मोरियन बोलते हैं इसको, गुब्बारा, ये उनका बच्चा है, ये चेक करें। तो ये सारे भी टेम है तकरीबन, तो इनको आज हवेली में लेके जाएंगे, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नीचे हमारा चिंटू है, तो चिंटू ने बहुत जुल्म किया है, बहुत काम ख़राब किया है। तो क्या किया चिंटू ने दिखाता हूँ। चिंटू के भी पर आ रहे हैं, इसके पर हो गए थे, कीड़ी लग गई थी, तो जिसकी वजह से उसके विंग्स ख़राब हो गए थे, और वो मैंने खींच रही है, मैंने कहा नए विंग्स निकल आएंगे। साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। इस टाइम है इनके दाने का टाइम है, तो थोड़ा सा इस वजह से ये हुए फिर रहे हैं, तो भी इनको दाना डालना है। चिंटू ने जी किया क्या है, चिंटू ने जी इसकी टांग पे बाइट कर लिया, ये टेम कर रहे थे बच्चा, इसकी लेग पे उसने बाइट कर ली, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसकी सूजन हुई पड़ी है इसकी लेग, लेकिन नीचे लगा नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह इसको एंटीबायोटिक दिया सेट हो जाएगा बहुत जल्द। साथ अभी हमारे पास सिर्फ एक कॉकटेल का चिक है, अभी और आने हैं, आने क्या थे वो आए थे, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, तो जो कि बस गलत कार्गो की वजह से, यानी कि पैकिंग गलत की वजह से, वो 4 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बॉक्स में भी रखे हुए हैं कुछ बजरी, एक दोस्त दे गया हमें, तो इनको क्या किया, पेरेंट्स लड़ रहे थे, इसकी आंख तो नहीं, हाँ इसकी आंख बंद है, ये देखें, इसको पेरेंट्स की फाइट किसी और जोड़े के साथ होगी, ये शोल्डर पे आपको ज़ख्म नज़र आ रहा होगा, इसकी आंख में नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैं हैंड फीड पे पा रहा हूँ, काफ़ी ज़ख्मी बच्चे किए हुए हैं, एक ये बच्चा है, इसके साथ साथ एक ये बच्चा है, ये देखें इसके भी हेड पर चोट लगी हुई है, आपको नज़र आ रही है, ये देखें इसको भी मारा है, शायद इनके पेरेंट्स ने तो नहीं मारा होगा, दूसरे जोड़े ने मारा होगा। और इसके साथ साथ एक तीसरा बच्चा छुपा हुआ है, रुक जाओ यार, अभी आप लोगों को फीड करवाइए, इसके भी जो देखें जी चेहरे पे चूंच के ऊपर इसके चोट लगी हुई है, ये चेक करें। तो मेरे पास आ गए हैं चिक्स, मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा बड़ा सेल्फ करके ना फिर बड़ों के साथ छोड़ देंगे, ये 3 रिंग नेक के चिक्स हैं, माशाल्लाह से फीड मांग रहे हैं, छोटे हैं दो, एक छोटा काफ़ी और दो तकरीबन ग्रीन होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। ये जो हमारे पास है ये माशाल्लाह से रिंगनेक के और भी चिक्स आने हैं, ऑलरेडी 5 हैं चिक्स, 2 बड़े हैं, एक ये है, एक वो नीचे है नज़र आ रहा होगा, चिंटू अंदर है, इसके अलावा ये राह का बच्चा है, कुछ राह के बच्चे हवेली में भी हैं, कुछ राह के बच्चे कुछ 4 एक दिन तक आ भी जाने हैं, और इस तरीके से पैरस तो काफ़ी हो जाने, वाइट ब्लू भी ढूंढ रहा हूँ, अभी रेट थोड़े ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ब्लू एंड वाइट नहीं ले रहा, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेट डाउन होता है तो फिर उठाते हैं, उतनी देर तक ये भी थोड़े से हो जाएंगे चिक्स, ठीक है। इनको इस टाइम ज़रा धूप में थोड़ा सा रखते हैं, ताकि एक तो डर इनका ख़त्म हो, ऊपर से फिर धूप भी चाहिए होती है, लेकिन नॉर्मल धूप, क्योंकि आजकल धूप ज़रा तेज़ हो जाती है, और इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना पड़ता है। तो अभी डालते हैं दाना, कबूतर वेट कर रहे हैं, तो दाना इसमें ले कर आते हैं डिब्बे में। तो ये सारी आर्मी है, भूखी है, इस टाइम फुल टूट के पड़ेगी, दाना गया, मक्की डालता हूँ मैं इनको, सबसे सस्ता जुगाड़ है मक्की, क्योंकि खाते बहुत हैं। यहाँ पे है थैला, और इस थैला ख़त्म कर दिया आज, नया लेना है, बल्कि बंदे को कहते हैं जाके और नई मक्की दो, और ये जी मक्की है फ्रेश फ्रेश कर साफ सुथरी, और ये मक्की भी जा रही है, ये इस तरह फिर मैं बिखेर देता हूँ, उसमें लड़ते झगड़ते नहीं, इजीली हर किसी को दाना मिल जाता है।
इस दफ़ा चिड़ी मारी बड़ी अरूज पे होगी, और ये सारी जो आर्मी ना चिड़ी मारी के लिए तैयार की हुई है। चेक करें, सारे आज़ाद हैं, सारे सबके पर आ रहे हैं। कुछ के जिसके पर जो अभी उड़ते नहीं, उनके पर आधे आधे हाफ पल्ले बन गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सही होके अड्डे भी लग जाएंगे, और चिड़ी मारी भी बड़े अच्छे तरीके से करवाएंगे। और जो कबूतर आएगा वो इंशाल्लाह जाता नहीं हमारे हाथ से, ठीक है, इसका कोई सीन बनाएंगे। इस टाइम मैंने ना सिर्फ 2-3 पेड़ उड़ाई वाले रखे हैं, वो भी हमें शौक किया है। ये फीमेल है, ये वाली लाल चीनी, इसका वो लाल चीना मेल है, वो जा रहा है, सेम कॉपी पेयर है। इसके साथ अभी ये रेड पट्ठा है, इसके साथ मैंने एक रेड फीमेल इधर ढूंढी है, वो लगानी है। तो मैं ज़रा प्यारे प्यारे सेम कलर्स के, सेम क्वालिटीज़ के, ये देखें कितने प्यारे चीज लग रहे होंगे आपको। जोड़े ये पकड़ा था शुरू में, मैंने बताया था कबूतर मैंने पकड़ा है हाई फ्लायर का, ये पट्ठा है, और इसके पर खेंग भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा भागने के चक्करों में था। मैंने कहा महीना दो यहाँ पे फिरेगा, पक्का होगा, दाना पानी खाएगा तो अड्डे लग जाएगा। ये पच्चा है, पता नहीं कौन सी नस्ल है, लेकिन है ये हाई फ्लायर में से है। हाई फ्लायर के भी काफ़ी नाम आ जाते हैं। और ये एक गुब्बारा की हमारे पास फीमेल है, इसका मेल भी मैंने रखा हुआ है, एक सैटिनेट का जोड़ा है वो वाला, ब्लैक फीमेल है वो साथ, वो भी तकरीबन अड्डों के लिए तैयार है। ये गुब्बारे का भी यहाँ पर मेल फिर रहा होगा, तो एक जोड़ा ये है। चलिए आज मैंने कहा आपको विज़िट करवाते हैं, तो इंशाल्लाह अभी जो है ना पैरट्स मेरे पास कोई भी नहीं है। नीचे जो हमारा गोल्डी है वो नीचे पड़ा हुआ है, तो गोल्डी की वीडियो भी नहीं बन रही, क्योंकि थोड़ा सा दिल नहीं कर रहा उसको छोड़ने का, बड़ा अच्छा हो गया उसको फ्लाई करवाए हुए। तो इंशाल्लाह ये आर्मी है जो इसकी, बस ये रेडी था बच्चा, लेकिन चिंटू ने बाइट कर ली तो थोड़ा सा इसकी टांग के लिए ख़राब हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह नए चिप्स आ जाएँ तो आपको दोबारा से काफ़ी ज़्यादा पैरट्स उड़ा के दिखाते हैं मज़ा करवा के। तो मैं इसी वजह से फ्लाई की वीडियो नहीं बन रही, कोई ये भी बर्ड है ही नहीं। कॉकटेल एक आया था, ये बस वैसे ही बड़ा हो गया, लेकिन हैंड टाइम के है ये कॉकटेल, बाइट साइड नहीं करता, आते बैठ के खाता पीता है। 4 मंगवाए थे लेकिन वो वैसे नसीबों में नहीं थे, तो अब नए आर्मी मंगवाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं।